Mega bra! Action! कुछ फिल्मों की कहानी इतनी पावरफुल होती है ना कि वो आपके अंदर सचमुच इमोशंस का सैलाब ले आती है, हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सच्ची दोस्ती क्या होती है। यार जहाँ पुलिस तक हार मान जाती है वहाँ दोस्ती आगे आती है। ऐसी प्योर फ्रेंडशिप को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करती है मंजुमेल बॉयज मूवी की ये कहानी। सिर्फ 20 करोड़ के बजट में ये बनी थी और 242 करोड़ का लाजवाब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने किया था। मलयालम फिल्म होते हुए भी केरला से ज्यादा रिस्पांस इसे तमिलनाडु की ऑडियंस ने दिया था और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में ये नंबर एक पर आती है। आज हम इस वीडियो में इसी मलयालम ब्लॉकबस्टर मूवी के बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी की शूटिंग कैसे की गई थी, कैसे इन नीचे गिरने वाले सीन्स को गुफा के अंदर शूट किया गया था। साथ ही में जानेंगे मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। बिल्डिंग द रेप्लिका ऑफ गुना केव्स। देखते समय लगता है कि ये सारे सीन्स रियल लोकेशन गुना केव्स पर ही शूट किए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में गुना केव्स का डिट्टो सेट प्रोडक्शन डिजाइनर अजयान ने इस मूवी के शूट के लिए कंस्ट्रक्ट किया था। एक्चुअल गुफा से ये सेट 10% बड़ा बनाया गया था ताकि शूटिंग इक्विपमेंट्स लाइक कैमरास एंड लाइटिंग्स वगैरह को वहाँ इजीली मूव किया जा सके। रियल गुना केव्स हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होने के कारण मेकर्स मूवी को वहाँ शूट नहीं कर सकते थे, और क्योंकि वो 900 फीट गहरा है तो शूटिंग इक्विपमेंट्स नीचे ले जाना फिर ऊपर ले आना उन्हें पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इस रेप्लिका सेट को बनाने से पहले रियल गुना केव्स जाकर टीम ने लेजर और लिडार स्कैनिंग से सारे मेजरमेंट्स लिए थे। इसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ी थी और 80 फीट से नीचे जाना उन्हें अलाउड नहीं था। एक्चुअल रॉक्स के सैंपल्स भी उन्होंने वहां से रेफरेंस के लिए लिए थे और साथ ही में टेक्सचर एंड अदर डिटेल्स को समझने के लिए वहां के फोटोग्राफ्स भी उन्होंने खींचे थे। इस सेट को बनाया गया था पेरुम्बावूर, केरला के सालों से बंद पड़े एक गोडाउन में। ये जो बड़े बड़े पत्थर सेट पर बनाए हुए हमें दिख रहे हैं ये रियल नहीं है, असल में इसे स्पेशल फाइबर्स और फोम से बनाया गया है। इस रियलिस्टिक सेट को बनाने के लिए पूरे 3 महीनों तक का समय प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट को लगा था। ऐसा नहीं है कि इसकी पूरी शूटिंग इसी सेट पर की गई है। स्पेशल परमिशन के साथ कुछ सीन्स रियल लोकेशन कोडाई कनाल में भी शूट किए गए हैं, लेकिन सिर्फ सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, यानी सिर्फ 4 घंटे ही उन्हें शूट करना अलाउड था, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और 9 बजे के बाद वहाँ टूरिस्ट आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट सीन्स जैसे कि सुभाष जब गुफा के अंदर गिरता है तब का ये हेलुसिनेशन वाला सीन टीम ने स्पेशल परमिशन एंड सेफ्टी के साथ रियल वाली गुना केव्स के अंदर ही शूट किए थे। चार घंटे में से 2 घंटे तो टीम को इक्विपमेंट सेट करने में ही लग जाते थे और एक्चुअल शूट के लिए फिर थोड़ा ही टाइम बचता। पार्ट बाय पार्ट शूट उन्हें करना पड़ता था और इसीलिए मंजुमेल बॉयज की शूटिंग कंप्लीट करने में टीम को 101 दिनों का समय लगा था। VFX ब्रेकडाउन। मूवी के लगभग 70-80% पोर्शन कंस्ट्रक्ट किए गए इस सेट पर ही शूट हुआ है। बाद में फिर CGI की हेल्प से इस सेट के गुफा के पार्ट को एक्सटेंड किया गया था। मंजुमेल बॉयज के CGI एंड VFX के शॉट्स का पूरा जिम्मा एक वाइट इस कंपनी पर था। एक वाइट ने बाकी भी कई सारी ब्लॉकबस्टर मलयालम मूवीज के VFX किए हैं। जिस गड्ढे में सुभाष फिसल कर गिर जाता है वो गड्ढा, वहाँ से बाहर आने वाले ये चमगादड़, सब कुछ CGI से ही बनाए गए थे। सबसे दिल दहलाने वाला ये सीन जिसमें सुभाष इस ऊपर से नीचे डेविल्स किचन में गिरता हुआ दिखाया गया है, ये पूरा फुल फ्लेज 3D शॉट है।
उसके लिए पहले सुभाष के बॉडी का 3D मॉडल सॉफ्टवेयर में बनवाया गया था और फिर उस पर टेक्सचरिंग की गई थी। सुभाष के बॉडी पर दिख रहे ये घाव भी CGI जनरेटेड ही है। कुछ सीन्स में 3D मॉडल को लेयर्ड किया गया था और सेट पर शूट हुए इन सीन्स के साथ फिर पोस्ट प्रोडक्शन में मर्ज किया गया था। सीन में बारिश दिखाने के लिए सेट पर एक्सटर्नल पंप्स तो यूज हुए ही थे, लेकिन उस बारिश को कुछ जगह पर और तेज दिखाने के लिए उसमें VFX का भी यूज किया गया था। इसके अलावा मशरूम, चमगादड़ या अंडरवाटर सीक्वेंस जिसमें बचपन का सुभाष डूबते हुए दिखाया गया है, ऐसे कई सारे सीन्स भी CGI एंड VFX का ही कमाल है। दो चीजें थी जिनकी वजह से डायरेक्टर चिदंबरम इस मूवी को बनाने के लिए इंस्पायर हुए थे। पहली, अब तक जितने भी लोग उस गुना केव्स में गिरे थे उनमें से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आ सका था, इसीलिए सुभाष की ये मौत को छू कर वापिस आने की कहानी से डायरेक्टर चिदंबरम काफी थ्रिल्ड हुए थे। दूसरी, सुभाष नास्तिक था लेकिन उसके जीवित बचने के बाद कोंडाईकनाल के लोग उसके पैरों पर आ गिरे और कह रहे थे कि जिसने मौत देखी वो भगवान समान है। मौत को छू कर वापस आए हुए तुम भगवान समान हो, आशीर्वाद लो। जो व्यक्ति भगवान में नहीं मानता था उसे लोग भगवान मानने लगे थे, ये फैक्ट एक्चुअल में डायरेक्टर को फैसिनेटिंग लगा था। शूटिंग ऑन रियल लोकेशंस, ऐसा नहीं है कि इस मूवी में सब कुछ CGI और VFX ही है। कई सीन रियल लोकेशन गुना केव्स पर भी शूट हुए हैं। ये सीन जहां सुभाष के दो दोस्त बारिश में रस्सी लेकर उसे बचाने जा रहे होते हैं, उस समय हो रही तेज बारिश को दिखाने के लिए टीम ने इन फव्वारों का इस्तेमाल किया था। मूवी का पहला शूटिंग स्केड्यूल 26 जनवरी 2023 के दिन कोडाईकनाल से स्टार्ट हुआ था, जिसमें फॉरेस्ट के ये कुछ सीन्स इंक्लूडेड थे। आपको ये पेड़ जरूर याद होगा जहां मंजुमेल बॉयज अपनी ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। एक्चुअल में उस स्पेसिफिक पेड़ को फिर से क्रिएट किया गया था क्योंकि ओरिजिनल मंजुमेल बॉयज ने वहां एक फोटो ली थी। तब का पेड़ तो अब वहां नहीं रहा, इसीलिए टीम ने इसे नए सिरे से सिर्फ इस सीन के लिए उस जगह बनाया था। ये रहा उस शूट के दौरान का बिहाइंड द सीन। ये रस्सा कसी वाला सीन भी आपको याद होगा जो मूवी के शुरू में ही हमें दिखाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपोजिट वाली टीम ओरिजिनल मंजुमेल बॉयज ही थे जिनके 2006 में घटित घटना पर ये मूवी बनाई गई है। कॉन्ट्रोवर्सीज विद द फिल्म, पब्लिक से तो बेशुमार प्यार मंजुमेल बॉयज को मिला था, लेकिन मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई थी जिन्हें मेकर्स को फेस करना पड़ा था। उसमें सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है प्लेगियरिज्म एलिगेशंस की। 22 मई 2024 को म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा ने अपने गुना 1991 मूवी के सॉन्ग कनमणि अनबोधु कादलन को मंजुमेल बॉयज में अनऑथराइज यूज करने के लिए फॉर्मल नोटिस भेजी थी। उस सॉन्ग के राइट्स इलैयाराजा के पास है और वो मंजुमेल बॉयज के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ लीगल एक्शन ना लेने के 2 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे थे। फाइनली 50 लाख अमाउंट देकर वो सेटलमेंट मंजुमेल बॉयज के प्रोड्यूसर्स ने की। मंजुमेल बॉयज देखने के बाद कहने को दिल करता है कि ये होती है असली सर्वाइवल फिल्म जहां एक एक बंदे के साथ आप इमोशनली जुड़ जाते हो। जो बंदा नीचे गिरा हुआ है उसके साथ तो अलग ही अटैचमेंट आपको हो जाती है, लेकिन जो उसे बचाने जा रहा है या फिर उसके बाकी दोस्त जिस तरह से हार नहीं मानते, ये सब देखते वक्त कुछ सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। क्या उनकी जगह आप होते तो क्या आप भी आपके दोस्त को बचाने के लिए ऐसा करते? है इतनी हिम्मत आप में? ओरिजिनल मंजुमेल बॉयज इस मूवी के रिलीज के बाद उन लम्हों को याद करते हुए फिर सब एक साथ गुना केव्स गए थे। ये रही उनकी कुछ लेटेस्ट फोटोज जो सोशल मीडिया पर तब काफी वायरल हो रही थी। आप मंजुमेल बॉयज मूवी देख चुके होंगे तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसी लगी और 10 में से कितने स्टार्स आप इसे देना चाहोगे। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।